और इस वक्त मैं दादरी में हूँ। दादरी में कद्दावर नेता है अवतार सिंह भड़ाना, गुर्जर समाज के कद्दावर नेता है। भड़ाना जी, क्या कहेंगे, इस तरीके से महापंचायत ही चलती रहेंगी या कुछ निष्कर्ष, कुछ निर्णय निकल कर आएगा? देखिए, हमारी कोशिश है पूरे समाज को कि जिस तरीके से ये घटना घटी दादरी में और समाज ये महसूस कर रहा है कि हमारा अपमान हुआ है, जिस तरह मोदी जी ने उन्हें वहाँ यूनिवर्सिटी दे के उनका सम्मान किया महाराज महेंद्र प्रताप जी का, तो हमारे हमारे सम्राट का सम्मान के नाम पर जो अपमान हुआ है उसे ध्यान में रखें। हम चाहते हैं कि अगर योगी जी को की उपस्थिति थी, हम ये कहेंगे कि वो हमें यहाँ यूनिवर्सिटी का दर्जा दें और इस बात पर अफसोस जाहिर करें कि उनकी उपस्थिति में हमारे हमारे साथ जो जो कुछ घटना घटी वो शर्मनाक थी। अभी अभी आप कहाँ हैं? अभी अभी अवतार सिंह भड़ाना को अगर हम देखें तो कहाँ हैं अवतार सिंह भड़ाना? देखिए, अवतार सिंह भड़ाना पहले किसान का बेटा है और फिर अपने समाज का मुझ पर दायित्व है। मैं अपने समाज को, अपने किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी दलों से ऊपर उठ कर लड़ रहा हूँ। जब पार्टी नहीं सुनती है तो उनको यही कहा गया कि किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब मेरे समाज को जो ठेस पहुँची है, उनकी भावनाओं को आहत हुई है, उसको लेकर मैं कहूँगा कि उनका सम्मान मिलना चाहिए था। जो कुछ घटना घटी वो बुरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे साथ तो विरोध करना ही है, विरोध करेंगे। आप तो लगातार पार्टी में हैं, आपकी तो विधायक जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत भी होती होगी, क्या आपने मुख्यमंत्री जी को बताया कि जो प्रकरण हुआ वो गलत हुआ? पर नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने अभी एक साल पहले मैंने इस्तीफा दे रखा है। मैंने एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। मैं आज तक लग गया हूँ ना योगी जी से बात की है, लेकिन उससे पहले मैंने परिचौक का जो जिक्र किया वो उन्होंने बात सुनी थी। मुझे आज भी उम्मीद है कि योगी जी को बात सुनेंगे तो वो जरूर इनकी बात सुननी चाहिए। अवतार सिंह भड़ाना 2022 में कहाँ होंगे, किस पार्टी में होंगे? मैं किसी पार्टी दल में रहूँ ना रहूँ, मैं किसानों की और अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा सर? निकलेगा अगर हमारे समाज का बीजेपी अपमान करेगी तो उसका विरोध करेंगे। जो दल और पार्टियां हमारा सम्मान करेंगे, जो हमारा वजूद देंगे, वहां काम करेंगे। लोग कह रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना का मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, मेरा मोह तो भंग नहीं होता तो मैं पार्टी की छोड़ता। यानी कि आप एक अपमान आप मान रहे हैं? ये कुछ जो हुआ है ना वो बर्दाश्त के लायक नहीं। अवतार भड़ाना जी जो है सिया है और गुर्जर जाति से, इनको बहुत मान सम्मान मिला है और गुर्जरों के लिए ये हमेशा लड़ते हैं और आगे भी मुखिया जी से एक उम्मीद करेगा समाज कि समाज की लड़ाई को ये बढ़ चढ़ के भाग ले।